क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है अमृतपाल, मेरे साथ सोनू भाई। तो आज हम आ रखे हैं सेक्टर 26 पंचकुला। ये पीछे है घग्गर नदी, घग्गर नदी है इसका नाम, घग्गर क्या घग्गर घग्गर। तो आज हम तो यार ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी, बट आज बना रहा हूँ क्योंकि कंटेंट नहीं बचा हमारे पास। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या बात है कि मैंने पल्सर की वीडियोज बना रखी है बहुत सारी, उसमें मैंने पल्सर की काफी तारीफ की है। बाइक अच्छी है, बहुत अच्छी है, तभी मैंने बाइक की है, तारीफों के लायक है बाइक वो, ठीक है। बट आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। और मेरे पास बाइक को लगभग 1.5 साल हो चुका है और मैंने 16,000 किलोमीटर बाइक चला लिया है, 17,000 होने वाली है अब कुछ टाइम में। तो जो मेरा रिव्यू होगा एकदम असली रिव्यू होगा, जो मैं बताऊंगा कि बैड पॉइंट्स क्या है बाइक के, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे इस बाइक के अंदर पसंद नहीं आया। अगर आप पल्सर लेने के बारे में सोच रहे हो, पल्सर 150 या 220, ये वाली वीडियो आपके बहुत कम आएगी क्योंकि आपको कमियां पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार देखो, अब चीप बाइक तो है नहीं, ये एक्सपेंसिव बाइक ही बोलूँगा इसे, मेरे लिए तो एक्सपेंसिव है, 1 लाख के ऊपर की बाइक है, ठीक है। अगर आप फाइनेंस कराओगे तो आपको 1.5 लाख तक के आराम से पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से तो मिडिल क्लास बंदे के लिए ये बजट चीप नहीं है, ये बजट काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, आपको बताता हूँ कि मैंने इस बाइक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की है। तो पहली कमी इस बाइक के अंदर जो लगती है मुझे, तो बताया तो आपको, जैसे कि मैं सोनू भाई की अपाचे चलाता हूँ, तो टीवीएस अपाचे में जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा क्विक है, जबकि दोनों बाइकें सेम बजट सेगमेंट में आती है, सेम रेट में आती है, बट उसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो अलग ही है, झटका सा मारती है एक। और इसमें जो है ना, इसमें हल्का सा थोड़ा सा ग्लिच आता है, बम्प आता है एक, मतलब थोड़ा रिस्पॉन्स लेट पकड़ता है इसका जो है थ्रोटल है। और जो टीवीएस अपाचे है आरटीआर 2V जो कि कार्बोरेटर के ऊपर है, जो कि इतनी पुरानी है, सोनू भाई के पास 2017 मॉडल है, इसका बड़ा क्विक रिस्पॉन्स है। और मैंने एक दो बाइक की और चलाई है तो उनका भी थ्रोटल इससे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, जो कि सेकंड में ही बैठती है। तो ये मेरे को कमी लगती है, मुझे ये नहीं पता कि ये मेरी बाइक में ही दिक्कत है ये वाली थ्रोटल की, बट जहाँ तक है पावर है इस बाइक के अंदर, ऐसी बात नहीं, पावर है इस बाइक के अंदर, अपाचे से थोड़ी ज़्यादा पावर है इसके अंदर, ठीक है। बट ये है कि जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है ना, मज़ा उसी में आता है। शायद ये थोड़ी बल्कि है, शायद तो नहीं इतना खींच पाती, मतलब स्टार्टिंग का रिस्पॉन्स है वो इतना अच्छा नहीं है जितना अपाचे आरटीआर 162V के अंदर है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं खटकती है, तो ये पहली प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो जो नेक्स्ट कमी लगती है बाइक के अंदर वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब इसका जो फाइबर है ये वाला फेयरिंग का, काउल का, ये तो बहुत अच्छा है, अगर बाइक गिर गुड़ जाती है बच जाता है हमेशा, ठीक है। टैंक भी इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हैंडल बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बट जो अंदर का कंसोल है ये वाला, इसकी क्वालिटी काफ़ी पुअर है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। एक बार यहाँ पर त्रेड आ गई थी अपने आप ही, तो उसको निकलवा के नीचे से वेल्ड करवाया, वो त्रेड गायब हुई है, वो तो अपने आप ही आ गई थी त्रेड, ठीक है। और लॉकडाउन में मैंने बाइक खड़ी की थी जब, तो 1.5 महीना बाइक को खड़ा किया था अपना गैराज में, छोड़ दी थी बाइक, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर त्रेड आ गई, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक सेकंड, हाँ तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ फोकस करके, यहाँ पर ये देखो इसमें त्रेड आ गई, यानी के अंदर ये त्रेड आ गई। यार देखो ये त्रेड अपने आप आई है ना, तो खटकती है, गुस्सा आता है, अगर मैंने तोड़ा होता तो सेटिस्फेक्शन होती है मन के अंदर कि हाँ भाई मैंने खुद तोड़ा है, बट ये अपने आप ही आ गई। और अगला जो दिक्कत है इसके अंदर वो है मिरर्स का, ये मिरर इसके सेकंड मिरर है, ठीक है, दोबारा खरीदे थे मैंने, लगवाए थे बाहर से अलग से, वीडियो भी इसके ऊपर।
तो क्या हुआ था कि जो पहले वाले मीटर से ना बंद करता था ऐसे करके, फिर कभी कभी खोल के चलाता था इसे, ठीक है, तो कभी लुक देनी है बाइक को तो फिर से बंद कर दिया ऐसे करके, फिर खोल लिया ऐसे करके मिरर्स। तो उसके अंदर ना जहाँ पे चूड़ी होती है, चूड़ियाँ, ठीक है, दिखाता हूँ, ये जो है ना यहाँ पर अपना एल की लगती है, इसके अंदर नीचे ना चूड़ी है, ठीक है, नट की, तो वो घिसती रहती इसके एक टाइम पे आगे इतनी घिस जाती है, फिर ये इतना लूज हो जाता है यार, ये मिरर्स बहुत लूज हो जाते हैं। मेरे दोनों मिरर्स एक साथ ही लूज पड़ गए थे, तो वो वाले मैंने फिर सेल कर दिया आगे, ठीक है, उसके चूड़ियाँ नवी पो आगे सेल कर दी और मैंने ये न्यू बाइक किए। फिर अब मैं इनको भी ज़्यादा ऐसे करूँगा ज़्यादा दिन तक, तो ये भी इनकी चूड़ी ख़राब हो जाएगी, ये लूज पड़ जाएंगे। तो बिल्ड क्वालिटी फेयरिंग वगैरह की अच्छी है, बट कुछ कई के जगह पे काफ़ी बेकार बिल्ड क्वालिटी है। अब ये अपना टेल लाइट होगी, इसमें त्रेड़े आ गए अपने आप ही, भाई मेरे पीछे कोई बैठता नहीं है, ये सीट ज़्यादातर खाली रहती है, ठीक है, और ये इसमें त्रेड़ आ गई, इधर कैमरे में इधर नजर नहीं आएगा आपको, शायद मैं इधर आ जाए, करता हूँ, इसमें त्रेड़ आ गई एक तो, और ये लूज पड़ जाती है, बट अब मैंने ये टाइट करवाई थी अलग से, मैंने ये जो काउल है इसे निकलवाया, इसके नीचे ना यहाँ पर, यहाँ अंदर ना वो डबल सेट टेप डलवाई मैंने, फिर ये लाइट दोबारा अंदर डाली हमने इसके, तो उससे एकदम टाइट हो गया। बट अगर आप ये वाली बाइक ले रहे हो, ये वाली लाइट लूज होएगी ही होएगी, लिखवा लो मेरे से, मैंने मोस्टली लोगों के देखा है ये वाली लाइट लूज हो जाती है, बट इसके इलाज यही है, काउल को ओपन करवाओ, लाइट को निकलवाओ, इधर लगाओ डबल सेट टेप और लाइट को दोबारा डाल के काउल को लगा दो, तो ऐसे सेट बैठ जाएगी ये लाइट, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी का मैंने आपको बता दिया है, एवरेज है, फेयरिंग अच्छी है, बट छोटी मोटी जगह पे कमियां हैं इस बाइक के अंदर। तो अब जो मैं इसका लास्ट बैड पॉइंट बताऊंगा इस बाइक का, जो मुझे कमी लगती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो शायद आप सुन के डर जाओ, ठीक है, अगर आप कमजोर दिल के हो ये वीडियो बंद कर दो। तो उसका जो लास्ट बैड पॉइंट है, बैड एक्सपीरियंस है, वो है आफ्टर सेल्स सर्विस, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के पास बजाज की बाइक है, पल्सर ही है, पंकज भाई के पास, संजीत भाई के पास पल्सर ही है, सेम एक्सपीरियंस हम तीनों का है, मोस्टली लोगों का यही है, बजाज की आफ्टर सेल सर्विस, नो डाउट इनका प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन के आया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्राइस के हिसाब से, पावर के हिसाब से प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट आफ्टर सेल सर्विस अगर आप सर्विस कराने जाओगे तो इंजन ऑयल चेंज किया, ठीक है, फिल्टर साफ किया, आपको पकड़ा दिया, और सबसे गलत बात ये लगती है वो आपको बाइक देखने नहीं देंगे, जब आपकी बाइक सर्विस हो रही होगी ना आपको वहाँ पर जाने नहीं देंगे, आप एक रूम में बैठे होंगे, तो थोड़ा बहुत तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हम देख पाएं कि भाई हमारी बाइक के साथ क्या हो रहा है, काम पूरा अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मैंने सर्विस कराया लास्ट टाइम, मुझे नहीं पता भाई एयर फिल्टर साफ हुआ कि नहीं हुआ, तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी पुअर ही कह लो, पुअर ही है। उसके बाद अगर आपकी बाइक के अंदर अपने आप कोई दिक्कत आती है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है, कुछ भी अपने आप दिक्कत आती है, आप सर्विस सेंटर जाते हो तो वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है, वो बोलेंगे आपने बाइक गेरी थी। अगर आपकी बाइक के अंदर कोई भी दिक्कत आई है ना अपने आप से, वो बोलेंगे नहीं आपने बाइक गेरी थी, बताओ, बाइक के ऊपर स्क्रैच वगैरह चेक करेंगे, ठीक है, और आर्ग्यू करेंगे आपके साथ, या तो आर्ग्यू में आप जीतोगे या वो जीतेंगे, मोस्टली चांस है वही जीतेंगे, वो तीन चार जाने आप अकेले होगे, ठीक है। तो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी बजाज की बाइक आपको पसंद है, बेस्ट बाइक है, रेट के हिसाब से, पावर के हिसाब से, वैल्यू फॉर मनी है, फैक्ट्री से अगर आती है जिस टाइम, बाकी आफ्टर सेल सर्विस डिपेंड करती है कि आपको आपकी सिटी में कैसा माहौल है। मैंने अब तक 3 सर्विस सेंटर बदल के देखे हैं, पहले भी, इससे पहले बजाज की बाइक थी मेरे पास, तो एवरेज सर्विस है, कुछ खास नहीं है। अगर आपके पास कोई बाहर का मैकेनिक है आपके जान पहचान में, आपको बाइक की नॉलेज है, आप खुद से सर्विस करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, खुद से इंजन ऑयल डालो जो बाहर से मिलता है कोई भी ब्रांड का अच्छी परफॉर्मेंस वाला, ठीक है। तो सर्विस इसकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप बजाज की बाइक लेने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पहले पता करो अपने शहर में कि वहाँ पर जो सर्विस सेंटर है वो कैसा है, सर्विस अच्छी होती है कि नहीं होती। अब वहाँ चले जाओगे आप तो आपको वहाँ के जो लोग सर्विस करा रहे होगे अपनी बाइक से, आप उनसे खड़ के बात कर सकते हो, कोई भी बंदा अपनी बाइक के बारे में आपको पूरा बताएगा, ठीक है। बाइकिंग ब्रदरहुड में यही है कि भाई बंदे अपनी बाइक के बारे में नॉलेज शेयर करते हैं, तो आप पूछना उनसे, गाइडेंस लेना। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं बाइक को कुछ डिफेम वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मेरी फेवरेट बाइक है, ड्रीम बाइक ठीक टाइम पे ले ली आज, बट
मुझे लगता है कि भाई एज अ कस्टमर एज अ कंज्यूमर आपको भी पता होना चाहिए कि आप किस चीज के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो। मैंने ये वाली बाइक लिया, मैं तो 5 साल चलाऊंगा, ऐसे टूर वगैरह करूंगा, हो सके तो ऊपर भी चलाऊंगा, कभी बेचूंगा नहीं इसे, तो टूर वगैरह मेरे इसी ऊपर प्लान है। बट मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया जो कि मैंने आपका शेयर किया, तो वीडियो शेयर तो जरूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यह सोनू भाई, तो मिलते हैं अपने स्टूडियो में।